देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बाबा की एक झलक पाने के लिए रात से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। काशी में इस साल महाशिवरात्रि पर करीब 7 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन करने की संभावनाएं हैं। वाराणसी के ललिता घाट शिव भक्त गंगा जल लेकर सीधे बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है। बनारस में शिव बारात भी निकाली जाएगी। ललिता घाट से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, काशी विश्वनाथ में करोड़ लाखों की भीड़ है। पिछले वर्ष लगभग 5 लाख से श्रद्धालु दर्शन किए थे, लेकिन इस बार आंकड़ा लगभग 1.5 गुना होने की उम्मीद है। काफी श्रद्धालु यहां पर लंबी कतार लगी है, 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी। हम इस वक्त गेट खड़े हैं यहां पे गंगा घाट के किनारे, जो विश्वनाथ जी का गेट है वहां पे सीधे घाट से गंगा जल लेकर श्रद्धालु सीधे अंदर जा रहे हैं और यहां पे बाबा का जलाभिषेक भी हो रहा है और यहां पे कुछ श्रद्धालु भी हैं। हम इसे बात भी करेंगे जो दर्शन करके आ चुके हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? दर्शन करके आई हैं, कितने टाइम लगा आपको दर्शन करने में? 1 घंटा लगा, काफी अच्छे से दर्शन हो गया। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी। आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया है। आसनसोल से आए हैं, पहली बार काशी विश्वनाथ दर्शन? पहली बार। तो जो गंगा घाट से द्वार बना है सीधे गंगा जल लेके जलाभिषेक बाबा का हो रहा है, तो आज महाशिवरात्रि का पर्व पड़ा है, तो कैसी व्यवस्था व्यवस्था है, कैसा आपने कितने देर में दर्शन किया? अच्छा लगा, बहुत मुझे लगा। कितने देर में दर्शन हुआ आपको? आधा घंटा हुआ। आधा घंटा में दर्शन कर लिया आपने? तो आप कहाँ से हैं? हम बिहार बेतिया पश्चिमी चंपारण से हैं। तो आपने दर्शन कर लिया? जी। कितने देर में दर्शन हुआ, कितनी व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, 45 मिनट मुझे लगा दर्शन करने में। मुझे बहुत बढ़िया व्यवस्था है और मंदिर प्रांगण भी बहुत साफ सुथरा है, आसानी से लोग दर्शन कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है, पुलिस प्रशासन सभी को दर्शन कराने में सहयोग। महाशिवरात्रि के पर है आज, प्रदोष व्रत भी है आज, बहुत बड़ा संयोग भी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस पर हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि ये प्रदोष व्रत में भी जितने श्रद्धालु इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैंने जो उम्मीद नहीं थी उससे भी अधिक लोग एकत्रित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी भीड़ भी है और यहाँ पे जो गेट है, यहाँ पे गेट के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके सीधे बाहर निकले हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर है वो, ये कॉरिडोर जो यहाँ से सीधे भक्त दर्शन करके सीधे यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 गेट बनाए गए, चारों गेट से श्रद्धालुओं को वहीं से दर्शन करा के उसी गेट से वापस निकाला जा रहा है, ताकि किसी को असुविधा ना हो, किसी के परिवार के लोगों को कुछ दिक्कतें ना हो इनको। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो दूर दूर से आए हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी दर्शन करने के बाद अपने यहाँ पे दूर यात्रा करके आए हैं, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और ये गंगा से सीधे लेकर जलाभिषेक बाबा का हो रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे पुलिस बल हर गेट पे काफी सुरक्षा बल तैनात किए गए, किसी को सुविधा ना हो इसके लिए पुलिस बल तैनात भी किया गया है। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।